गाइज, आपको अपने हेयर्स को कर्ल्स करने के लिए सबसे पहले अपने बालों में करना है कॉम। सो अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लेना है ताकि आपके बाल थोड़े भी अड़े हुए ना हो। सो अच्छे से मैं अपने बालों को कॉम कर लूँगी। और कॉम करने के बाद आपको इसमें अप्लाई करना है सीरम। मेरे पास लोरियल का सीरम है, आपके पास जौन सा हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे बालों में अच्छे से। मैंने अपने बालों में सीरम अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मेरे को चाहिए एक चुन्नी या स्टॉल, जो भी आपको लेना हो। सो हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसको क्लचर की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। सो गाइस, चुन्नी को ऐसे सेट करने के बाद आपको लेने हैं अपने बालों के छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। इसको आपको चुन्नी के साथ अच्छे से इसको फोल्ड करना है। जितने टाइट कर्ल्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर्ल कर सकते हो। अच्छी तरह से रोल। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है ये पानी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद अब हमको इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 to 12 hours तक। सो मैं आपको मिलती हूँ 10 to 12 hours के बाद। सो गाइज, मैं अब इसको खोलूँगी, देखते हैं कि इसने वर्क किया है कि नहीं। सो लेट्स ओपन इट। जैसे जैसे आपने लेयर इसके अंदर डाली थी वैसे ही आपको खोलना है प्रॉपर। गाइज, इसने बहुत अच्छी तरह से मेरे बालों को कर्ल कर दिया है। एज यू गाइज कैन सी, मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। या गाइज, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।